हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टू हेल्थ में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन आज के समय में बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ है। स्थिति यह है कि हर तीसरा इंसान फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रखा है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन एक फंगल डिजीज है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा कमज़ोर होती है। वह कुछ ऐसे लोगों में भी ये ज़्यादा पुराना होता है जिनको लंबे समय से शुगर की समस्या होती है। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने से पहले दोस्तों, हमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और उसकी आदतों के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के इलाज के बारे में। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को इट्राकनाजोल 200 mg रात को और टर्बिनाफाइन 250 mg दिन में देना होता है और लुलिकनाजोल का ट्यूब रात को सोते समय लगाने के लिए देना है। साथ ही साथ मरीज को सुबह नहाने के बाद पूरे शरीर पर अच्छे से पहुंचकर इन्फेक्टेड एरिया में क्लैट्रिमाजोल, जो कैंडिड बी के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, उसका पाउडर छिड़कने के लिए भी देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि अगर फंगल इन्फेक्शन 5 या 6 महीने पुराना हो तो उसको शुरू के 5 दिन ओडोक्सिल 500 mg की टैबलेट जरूर ले लेनी चाहिए। इस टैबलेट को 5 दिन ले लेने से फंगल इन्फेक्शन के अंदर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लुलिकनाजोल का ट्यूब आप सिर्फ 15 दिन तक ही इस्तेमाल करें, उसके बाद सिर्फ क्लोट्रिमाजोल का पाउडर ही इस्तेमाल करें और रात को सोते समय नारियल का तेल अपने फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर लंबे समय तक इस्तेमाल करें। दोस्तों, टर्बिनाफाइन टैबलेट और इट्राकनाजोल कैप्सूल को 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको टर्बिनाफाइन की टैबलेट बंद कर देनी है और अगले 2 महीने तक सिर्फ इट्राकनाजोल कैप्सूल रात को सोते समय और क्लोट्रिमाजोल का पाउडर ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड, सबसे जरूरी बात, आप जिस दिन से इस ट्रीटमेंट को लेना शुरू करें उसके ठीक 20 दिन बाद से अपने सभी अंडरगारमेंट नष्ट कर दें। दोस्तों, उसकी जगह पर आप नए अंडरगारमेंट्स यूज़ करें। दोस्तों, ये तो थी फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियां। दोस्तों, जिस तरीके का ट्रीटमेंट हमने इस वीडियो में समझाया है, अगर इसी तरीके का ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेके लगातार करें तो आपको अपने फंगल इन्फेक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।